हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आफ्टर मार्केट आयर्स बीएससी लिमिटेड ने एक्सचेंजेस में यह फाइलिंग की है दैट हम 8 फेब को अपनी बोर्ड मीटिंग करेंगे एंड उस बोर्ड मीटिंग में क्वार्टर एंडिंग एंड 9 मंथ्स एंडिंग दिसंबर के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ हम एक बोनस इशू का प्रपोजल भी कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स अब बीएससी लिमिटेड भी अपना बोनस इशू लेकर आ सकती है एंड ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जहां पर हमें इस कंपनी के शेयर में एक फ्रेश रैली देखने को मिले। अब वो रैली कितनी हो सकती है, आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1835 रुपीज पर क्लोज हुआ है एंड इस कंपनी का 52 वीक हाई 2373 रुपीज का है एंड ये इस कंपनी का पिछला एक साल का चार्ट है। अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो इस कंपनी ने रिसेंट में ही अपने 52 वीक हाई को टच किया था एंड आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1835 रुपीज पर क्लोज हुआ है। दैट मींस अभी थोड़े ही टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है एंड इस बोनस इशू की वजह से वी कैन एक्सपेक्ट दैट इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक कर जाए। अब ये बोनस इशू कितना हो सकता है वो हमें 8 फेब को ही पता चलेगा बिकॉज ये कंपनी 8 फेब को अपनी बोर्ड मीटिंग करेगी। बट हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। मनी कंट्रोल में ये इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है जहां पर इस कंपनी की पेड अप कैपिटल 9 करोड़ रुपीज है एंड इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस ये बेसिक 2483 करोड़ रुपीस के हैं। जब भी कोई कंपनी अपना बोनस इशू लाती है तो उसमें एक अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस से कम हो जाता है एंड वही अमाउंट उस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है। अगर हम इस कंपनी का एमसीए डेटा देखें तो ये इस कंपनी का एमसीए डेटा है। यहाँ पर इस कंपनी की 9 करोड़ रुपीस अभी तक की पेड अप कैपिटल है एंड 300 करोड़ इस कंपनी की टोटल ऑथोराइज कैपिटल। दैट मीन्स इस कंपनी के पास सफिशियंट कुशन है, चाहे वो कंपनी एक शेयर के बदले 2 बोनस शेयर दे या फिर 5 बोनस शेयर दे या फिर 10 बोनस शेयर दे या फिर उससे भी ज्यादा बोनस शेयर दे। रियलिटी में क्या होगा वो हमें 8 फेब को ही पता चलेगा। बट दिस इज फॉर श्योर इस इंटीमेशन की वजह से हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस में शॉर्ट टर्म में भी एक काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है एंड लॉन्ग टर्म में तो हो सकता है इस कंपनी का शेयर अपने रिसेंट 52 वीक हाई को भी ब्रेक कर दे एंड उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।